हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो करक रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाविस, मोहम्मद इनायत। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अनदर वीडियो, अ ब्लॉकबस्टर वीडियो, बस्टर वीडियो, सून टू बी ब्लॉकबस्टर वीडियो भाई, ओनली देसी हमारे अंकित भाई, अंकित पटेल भाई की तरफ से। अंकित भाई इसीलिए कि वो हमारे भाई जैसे हैं, हमको इंस्टाग्राम में बातचीत भी करती है, हमारी बातचीत होती है तभी तभी। और उन्होंने जैसे ही वीडियो आई है तो उन्होंने मेरे वहाँ पे मुझे नोटिफाई हुआ, मुझे इंस्टाग्राम पे इनका मैसेज आया था। बाद में मैंने को पूछा, इन्होंने बोला कि हाँ मेरा वीडियो इट्स अप। फिर मैंने बोला कि अच्छा अच्छा आने वाला होगा, पता नहीं हमारी अंग्रेजी क्या हो गई थी मेरी। फिर मुझे लगा कि अच्छा क्या बोल रही है, जाके चेक किया, बोला ओ सॉरी अंकित भाई, आपने बोला कि आप वीडियो आ चुका है, ओ सॉरी सॉरी, तो रिएक्ट करने वाले हैं हम बोल के। हाँ। तो सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया अंकित भाई हमको रिप्लाई करने के लिए, हमको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ये सब हम आपके प्यार के लिए कर रहे हैं। हाँ। और ये आपके जो एक्सेलेंस है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, उसके लिए कर रहे हैं। बिना कोई बातचीत शुरू किए हम शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद देखते हैं। एंड मुझे सुनने में आया था कि सूर्यवंशम का ऑलरेडी इन्होंने पहले भी एक रिविजिट किया है और ये दूसरी बार ये कर रहे हैं। सो यू नो वो क्या मिस किया होगा इन्होंने पहले वीडियो में, जहाँ पर यहाँ पर फिर उन्होंने ये दूसरा वीडियो बनाया, देखने मजा आएगा। बट मैंने पहला वीडियो भी नहीं देखा है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। Diabetic boy, इधर अवीरा। Never mind. Be ready for a movie. जिसे देख के सबने कहा कि काश, काश, काश मुझे भी कोई ऐसे देखता है जैसे भानु प्रताप को उसकी फैमिली देखती है। Okay, कोई अपने बाप का से निहारते हुए नहीं देखता। ओए थोड़ा पीछे देख। इस मूवी में नीलिमा अजीम और राजेश खट्टर हैं, जो उस टाइम रियल लाइफ में भी हस्बैंड और वाइफ थे। And together they had a four और ये बच्ची भी 4 साल की होगी। And she looks exactly like Neelam ji. That means this kid could very well be their real life child as well. अच्छा। Except उनका real life child था ईशान खट्टर। That means ये बच्ची तो उनके real life child नहीं हो। Is this ईशान खट्टर with wig? What the? Oh my! भानु प्रताप का ईगो इज द हेड और एज सम सेज थिक हेड ऑफ द फैमिली, सीरियस एंग्री एंड फुल ऑफ सेल्फ प्राइड, सो बेसिकली एवरी डैड फ्रॉम जनरेशन एक्स। ओके, इट्स अ स्टोरी ऑफ टू फैमिली जहां एवरीवन इज जस्ट Clueless for some reason. ऐसे 25 साल से हीरा को ये नहीं पता था कि गौरी उसे प्यार नहीं करती। हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवर से भी करता है। तो क्या वो उनसे शादी कर ले? राधा को ये नहीं पता चला कि हीरा भानु प्रताप का बेटा है। भानु प्रताप के बेटे हो? जी। भानु प्रताप को ये नहीं पता कि उनका पोता कैसा दिखता है। ये अपने हीरा बाबू के बेटे है। हीरा को ये नहीं पता कि उसकी बहन की शादी है। कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की शादी हो रही है। गौरी को ये नहीं पता कि आज उसकी खुद की शादी है। मेरी शादी? Meet Hira, the youngest son of Bhanu Pratap, and boy is he creepy. Okay. हीरा की इन्हीं हरकतों को देखते हुए उसकी माँ कहती है, इसकी शादी करवा। शादी की उम्र जो हो गई है, right? और ये सुनते ही this creepy ass Hira is like. शादी से शर्माने की नहीं, शर्म आने की उम्र है तेरी। शादी के बाद वाइफ को क्या खिलाएगा? मीठी भात है बाबू जी। हाँ, मीठी भात। मीठी भात। और इसी के साथ हीरा की शादी फिक्स होती है विद हिज बचपन का प्यार गौरी। बचपन में एक साथ अपना पिछवाड़ा छिलवाया और 5 साल बाद गौरी को जवानी चढ़ी और हीरा को बुढ़ापा। बुढ़ापा। सून हीरा फाइंड आउट दैट गौरी डजंट वांट टू मैरी हिम, क्योंकि शादी हो गई तो क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। She's like those educated parents when their kids don't make it to IIT or IIM. क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। और फिर हीरा की लाइफ में आती है राधा। ओ आई डोंट नो व्हाई शी इज मोनिंग थ्रू आउट द मूवी। अरे कराह का है रही हो। राधा को पता चलता है कि हीरा इज सैड, क्योंकि गौरी ने लिटरली पीयर प्रेशर में उसको प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे पीयर प्रेशर में। और ये सब सुन के राधा की आंखों में प्यार है और हीरा की आंखों में रिंकल्स। और फिर राधा कितने सारे पानी में कूद कर अपना पैर गीला करने ही वाली होती है कि हीरा अपने बजट के हिसाब से शगुन भेज देता है, वो भी अरबी पत्तों में बहाते हुए। वैसे तुम अरबी के पत्ते खाते हो क्या?
I know, out of context, but I felt like I have to ask this question. Anyways, Radha ki maa aur Bhanu Pratap nahi chahte ki inki shaadi ho. Sharda Bhim se kab chahiye? Isse poocho, isse Radha chahiye ya Bap? Aur ab Radha kehti hai, marenge to inhi ke saath jiyenge tumhi. दोनों भाग का शादी कर लेते हैं और फिर घर से निकाल दिए जाने के बाद हीरा इज सैड क्योंकि उसके पास जॉब भी नहीं है। बट इट चल तेरी सुहागरात की तैयारी कर। लेकिन फिर राधा केएलपीडी कर देती है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मना तो नहीं करेंगे? मना तो नहीं करूंगा, लेकिन दे भी क्या सकता हूँ। एग्जैक्टली, देना ही तो नहीं है। मैं चाहती हूँ हम सुहागरात ना मनाएं। अब सैड हीरा चला हिलाने, लेकिन मदर ने Really, you guys just got kicked out of your own house today. How could you even think about making love? Stop moaning, Rekha ji. I mean, Radha. Rekha ji. Karti hai. Imagine going to their house and all you hear is. Kaise karo ji? Oh, thank God they're eating food, not each other. And then somehow this 57-year-old dude managed to have a baby. लेकिन इतने बड़े बच्चे कब से निकलने लगे? 18 महीने बाद डिलीवरी हुई थी ये? नहीं। और तभी वापसी होती है गौरी की, who is not down to earth, but she has a reason for it. जमीन पर पांव कभी-कभी रखती हूँ। और ये सुनके हीरा is like, कलेक्टर की पढ़ाई कर। मैं? नहीं तो क्या हीरा? फालतू की बात मत कर रहा था। And after one song, Hero is rich. He bought a house. अबे राधा के बाप का घर खरीद लिया क्या? Because they both are same. Oh. They thought they can fool me by changing the interior. You can't fool me. I am like CCTV auntie. मुझे तो ये भी पता है कि हीरा की बहन ने अपने engagement में जो साड़ी पहनी थी, वही साड़ी उसने गौरी की शादी में भी पहनी थी. Oh. बन चुकी है. Who collects आशीर्वाद? So she drops something, bends over, and then takes Ashirwad. That's so stupid. But at the same time, white people be using this exact scenario as a build-up for porn. So... Are you what? She's trying to impress Bhanu Pratap. Because she wants to live with her in-laws. Okay, so you're telling me Radha wants to live in a joint family with her in-laws. Okay, no wife. And I mean, no wife wants to do that. Don't give me this bullshit, Radha. And now since Hira is padha likha, Gauri usse madad mangne aati hai. Oh, this is the intikam moment, Hira. Let's do it. अपनी खुद गर्जी का अब अंजाम देखेगी क्योंकि राखे में और फिर ज्ञान के नाम पे राधा ने जो मारी है गौरी की जिसे तुमने अनपढ़ गवार करके ठुकरा दिया था आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ अरे ना राधा मुझे लग रहा है कि तू ताना ही दे रही है पढ़े लिखे बेवकूफ कौन है मैं और ऐसे ही गौरी की पूरी तरह से ले लेने के बाद राधा कह दिया मेरी बातों को बुरा मत मानना मैंने बुरा क्यों माना ये बुरा मानने ऐसा तो नहीं कुछ कहा आपने हीरा किसी खास को ही देता है इतना सुनने के बाद उसके गले से कुछ नहीं उतरेगा राधा इज लाइक वो आंटी नहीं थी जो किसी की बुराई करने से पहले बोलती है कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर वो वही बोलती है जो उन्हीं के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए लेकिन भानु प्रताप पिघल जाते हैं जब अपने सन इन लॉ आई मीन ग्रैंडसन से मिलते हैं दादाजी को पसंद नहीं थे इसलिए उनको घर से निकाल दिया क्यों अबे नहीं तेरी माँ को लेके भागा था इसीलिए निकाल देते हैं और फिर हीरा का बेटा उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता है मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं तो आठ क्लास में पढ़ता है नहीं नहीं वो तो पढ़ चुके हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें हैं उनकी And just like any parent, Hira is like, bitch, have you been getting molested? कैसे दिखते हैं वो? And now you all know what Hira is thinking. But what I am thinking is that उस बच्चे जैसे अगर मैं किसी पिक्चर पे मार्कर से डूडलिंग कर देता तो मेरे बाप तो मेरी गांड तोड़ देता अच्छा आप उनके लिए खीर ले जाइए अच्छा अब अमीर हो गए तो मीठी बात को खीर बोल गए See, that's what you call double standards. और अब भानु की वाइफ उसे हीरा को कॉल करके माफी मांगने को कहती है And now Bhanu Pratap is also ready to accept Hira because now he is rich. See, the whole point of this movie is that अगर तुम्हारे जेब में पैसे हो ना तो किसी का बाप तुमसे नाराज नहीं रहेगा लेकिन इंडियन पेरेंट्स का पता है ना अपने बच्चों से माफी मांगने से तो उन्हें मौत आती है सो हियर वी गो नाउ भानु प्रताप इज हॉस्पिटलाइज्ड जहां डॉक्टर्स आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग ऑन दिस टर्नड ऑफ ईसीजी मशीन लेकिन जल्द ही सबको पता चलता है कि खीर में जहर केवड़ा सिंह द पूसी किलर ने डाला था बिल्ली मारना किसे कहते हैं पूसी किलर सी किलर And then watched Big Me, who was like 57-year-old doing some very good action sequences. And I'm totally saying that to neutralize all the jokes I made earlier about him. आगे ज़्यादा गाली ना पकड़े। इसे कहते हैं connection देकर fuse निकालना। Oh, hello DCs. If you enjoyed the video, make sure you hit that like button. अगर like नहीं करोगे, तो क्या कहूँगा मैं अपने? बड़े लिखे दोस्तों से। Subscribe if you're new and follow me on Instagram at only_Daisy. And I'll see you guys in the next one. Peace. ये आवाज आवाज कुछ ना आवाज आया करेगा अभी पल पल
आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है। वाह, और ये जो पूल है ना, एक नंबर पूल है, एकदम तेरी आंखों के जैसे, उसको यहाँ से छुएगी ना लगता है, और यहाँ से छुएगी ना तो एनीवे सोच रहा हूँ आंसू वाला टैटू बनवा दो। तब 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 तागे भी प्यास है माना के लंबी किसने किया तुमको मना तारों की शम्मा जला। I loved it, man. Oh goodness. We'll directly head to the comment section. Haan. Okay, we'll go directly. Hi there. I'm Tessa from Music. Have you noticed how online gamers are? क्या है क्या? Repost because the last one got a little copyright issue. Hope you guys enjoyed. Okay, the same one क्या? अच्छा अच्छा same one same. शायद with a small थोड़ा बहुत changes होगा शायद. This revisit is a revisit of the previous revisit. Revisitception. Okay, don't feel shy for getting married. Be ashamed of getting married at this age. It really caught me. Yeah. The last part of the song Dil Mein Without Any Music thing was absolutely hilarious. Great work. He is the best at doing revisits. All the moments, memes, sound cuts, everything matches perfectly and makes sense. And he's not doing it by force, so it's more enjoyable. That Ishan observation part, like seriously, most of us have watched this movie through, though in unintentionally and forcefully, 1 lakh times, but I never ever saw this one. Yes, indeed. I refuse to believe that he made this much of fun out of this 22-year-old movie. Everything was on point, didn't offend anyone, make the fun if everyone. And the best thing was the song in the end. I think I peed a little by laughing. yes, Vrivancham, Zubha Kesar, okay, Zubha, achha, Kesar. Fun fact, Rekha ji did voice over both Bhanu Pratap's wife and Hira's wife. हाँ ये Rekha ji ने voice over किया था उसको actually में. कौन से Rekha ji? जो actual Rekha है ना industry की Rekha. There are two Rekhas in the industry, no? Who? वो राखी है वो राखी है क्या? ये Rekha ji जो है ना अभी जो Rekha ji जो आती हैं साड़ी वाड़ी पहन के आया. अच्छा अच्छा. इस अंजुमन में आप अच्छा, आना है. अमिताभ बच्चन की एक्स बोल रही हैं आप. तो वो Rekha ने ही एक्चुअली क्या था इनका सौंदर्या की वॉइस ओवर किया था उसने. क्योंकि सौंदर्या की जो पहली मूवी थी एंड फन फैक्ट इज दैट के सौंदर्या उसी प्लेस से बिलोंग करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे मैं 11 साल रहा था. वो है मुलबागल बोल के एक प्लेस है वहाँ पे. तो मुलबागल में वहाँ पे वो वहीं की मुलबागल की है वहाँ सौंदर्या. As you know, so, सौंदर्या और किसका दिया था? और भानु प्रताप की वाइफ. अच्छा दोनों का भी दोनों का इन्होंने Rekha ने ही वॉइस ओवर दिया था. और Rekha की वजह से ही वो जो मॉर्निंग की जो वॉइस थी ना वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है सीरियसली. अमिताभ बच्चन ने अग्री कर लिया था क्या Rekha की वॉइस को? हाँ नहीं तभी थिंग्स वर फाइन. तो पता नहीं क्या बात क्या क्या थी सीन पता नहीं. ओके सो या दिस इज Again, once again, Ankit has come up with something really, really amazing. In fact, Ankit ke jaise bahut sare YouTubers hain. Ek to mera bhi rapta hua tha, maine unse baatchit ki thi. Maine bahut sare aa chuke hain reviews banane wale, bahut sare bana rahe hain. Lekin kahin na kahin lack hote hain. Wo comic element nahi hota, editing utni crisp nahi hoti, aur kuch na kuch to hota hai wahan pe. Yahan pe Ankit ki awaaz. और जो अंकित का बोलने का जो ढंग है वो किसी में नहीं आया. He is the father of revisits. अगर revisit becomes a genre lately हो जाएगा अगर YouTube में. लेकिन I think वो हो जाएगा बहुत जल्द because revisit का बहुत craze चल रहा है अभी and I think अंकित will be the principal of the school. He is the क्या बोलते हैं उसको. There's one word for them. Pioneer कुछ बोलते हैं. Pioneer बोलते हैं उनको. Pioneer बोलते हैं उसको. तो he is the pioneer of something like this and he is doing a great job. आपको best jokes कौन से लगे? द स्पेशली द ईशान वाला थिंग. ओके और वो क्रीपी वाला थिंग अमिताभ का क्रीपी थिंग यू नो. ओके मेरा था यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो कलेक्टर का एक जोक था. शी बिकम्स अ कलेक्टर एंड शी कलेक्ट्स ब्लेसिंग्स बोल के. अच्छा तो नीचे वो कलेक्टर बोल के. इट वॉज अ वेरी हार्ड हिटिंग था. और भी बहुत सारे ईशान खत्तर का जो बाप रे बाप. ईशान खत्तर का बहुत खतरनाक था यार. ऑब्जर्वेशन था किसी ने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा वो कि ऐसा हो सकता है. एंड वो सारी का वो जो सेम सारी पहनी थी उन्होंने वो. And the best part was बंगलो का भी. बंगलो बंगलो का किसने इंटीरियर चेंज कर दिया. आई थिंक सूर्यवंशम एक ऐसी फिल्म है जो कि सेट मैक्स में एवरी वीक आना बहुत जरूरी था. बहुत जरूरी था. और हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिलीज ऐसी थी कि वो देखते भी थे. ओके देखते भी थे और ये करते थे. हम लोगों को भी देखना पड़ता था. लेकिन उतनी बार देखा आज तक की ये चीजें किसी ने शायद नोटिस नहीं. एक्चुअली मेरा बताऊंगा मैंने सूर्यवंशम कभी देखी नहीं थी. मैंने
इतनी बार आई थ्री मैंने कभी देखी नहीं सुब्रमण्यम ने. एक्चुअली मैंने सुब्रमण्यम देखी मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में. अच्छा, पहले लॉकडाउन के थर्ड मंथ में मैंने बोला कि चलो पीयर प्रेशर था मुझे, जैसे कि इसको पीयर प्रेशर था छोड़ने का. भानु प्रताप के बेटे को क्या नाम था उसका, अमिताभ बच्चन का नाम क्या था उसमें, भूल गया मैं. उनके बेटे को तो मतलब मुझे भी पीयर प्रेशर में देखना पड़ा, मुझे देखो बोला. तो मैंने ना डाउनलोड किया, मैंने देखा पिक्चर सूर्यवंशी, मिला मस्त लगी मुझे, खासकर से गाने उसके ना, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी. और हाँ, लेकिन अभी क्या है कि सी दिस, ही इज नॉट इंसल्टिंग द मूवी, ही जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट कॉन्टेंट फ्रॉम दोज मूवीज और उसको दोबारा से रिलीव कर रहे हैं. देखा है यार, बहुत बार देखा है. एंड सूर्यवंशम इज नॉट अ बैड मूवी, ऐसा नहीं है. एक जमाने की बहुत अच्छी फिल्में हैं, बट उस वक्त की फिल्म मेकिंग के हिसाब से दैट वाज अ वेरी गुड मूवी. अब जो हम लोग टेक्निकल चीजें देखते हैं, जैसे कि स्पेशली अंकित, अब के हिसाब से अगर लोग देखेंगे ना तो यही होगा, यू नो, एक सीरियस फिल्म बन जाएगी कॉमेडी. लेकिन देखो सूर्यवंशम एक गाना है, चोरी से बोले गाना है एक, वहाँ पे तो बोलते ना कि विल्डरनेस, जो एक अफ्रीकन बेस्ड सॉन्ग था, वो एक अफ्रीकन बेस्ड सॉन्ग था जहाँ पे अफ्रीकन ड्रम इस्तेमाल किए गए थे. वो गाने को उस मूवी के अंदर ऐसे इस्तेमाल किया गया था सूर्यवंशम में, शायद ही उस जॉनर को किसी भी मूवी में वैसा गाना सुनने में गाया था गाने को वो. और उसमें अमिताभ बच्चन का भी वॉइस, अमिताभ बच्चन भी गा रहे हैं अपनी आवाज़ में और सुनने में भी गा रहे हैं. अच्छा, दोनों की एक ही आवाज़ में. अमिताभ नहीं, वो शायद उनके अमिताभ का गाना एक और सिंगर हैं जो गाते हैं उनकी आवाज़ में. तो दैट गाय और सुनने निगम ने गाया था वो, और दोनों वॉइस सूट हो रही थी अमिताभ बच्चन को. ये फिल्म आई थिंक मल्टी लैंग्वेज में है ना. ये मूवी बनी थी पहले आई गेस मलयालम में राइट, फिर तमिल में बनी. हाँ, फिर तमिल में बनी, फिर यहाँ पे इन्होंने हिंदी में इसको किया. लेकिन हिंदी में दे वांटेड बिग स्टार्स एंड तमिल के डायरेक्टर ने किया था उनका. हाँ. और भाई द वे हम पढ़ के सुना दें अंकित भाई को नाम, आई विल टेल यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट नेम. अंकित भाई एक मिनट, वो अंकित भाई को तकलीफ हुई थी इस करने में. सो इनका नाम है इद्रवीरा एंड वेंकट सत्यनारायण. ठीक है, सो डायरेक्टेड बाय इद्रवीरा एंड वेंकट सत्यनारायण. ठीक है, हम साउथ इंडिया के हैं तो इसीलिए हमको सब नाम पता है. नाम पता है. अंकित भाई ये गुजरात से हैं. आई थिंक अंकित भाई बैंगलोर में, सॉरी इंडिया में ही हैं. अगर आप ये राइट नाउ इंडिया में ही है वो. ओके, ही इज नॉट इन कैनेडा. कैनेडा में थी अभी, आए हैं वापस वो. अच्छा, किसी काम से आए हूँ मैं. एक रिसेंटली उन्होंने डाली थी, मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा प्लीज़ बैंगलोर आओ बोल के इन्वाइट किया था मैंने. प्लीज़ भाई आ जाओ बैंगलोर को, हमको हमारे स्टूडियो गरीब खाने में आओ. यहाँ पे एक छोटा सा हमने बनाया है चिड़ियाघर, आप देखो यहाँ पे आके हम भी कुछ करते हैं. आप अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात. अभी तो इंस्टाग्राम में आ गए हमारे, कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, बहुत जल्द यहाँ भी आ जाएंगे. अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको एयरपोर्ट से लेकर जहाँ आपको घूमना है भाई, सब पक्का भाई है यहाँ पे. वो वाला घूस दे रहे हो क्या बोलेंगे. नहीं भाई, लेकिन हाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे. अगर बैंगलोर में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आपको ले जाएंगे प्लेसेस, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे और ऐसे ऐसे चीजें दिखाएंगे कि आप यू नो जाके उसके ऊपर एक वीडियो बना दोगे. एनीवे, वी हैड अ ग्रेट फन अंकित एंड वी वर वेटिंग फॉर इट. मुझे कहीं जाना था जरूरी काम से, मैं यहाँ से जाके मैं आ गया. आई विल मेक श्योर के वो अभी एडिट करें और सवेरे अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो डाल दें, क्योंकि हमको नॉट फॉर द व्यूज, फॉर द लव ऑफ अंकित पटेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर, विल शेयर यू दिस आल्सो. आई होप कि आप आपकी स्टोरी में भी डाल दें हमारा. यस, एंड बाय द वे ओनली दिस इज नाउ वेरीफाइड, वेरीफाइड है. बहुत जल्दी 1 मिलियन हो गया. कांग्रेचुलेशंस अंकित, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस वीडियो. वी हैड ग्रेट फन, इट गोना हिट मिलियंस एंड होप टू सी मोर फ्रॉम यू. लव यू मैन. So yeah, this was our reaction on Surya Vansham Revisit by Only Desi. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी डिटेल्स हमने दिए हैं. एंड यू कैन फॉलो ओनली देसी पेज ऑल्सो, जो कि आप प्लीज कीजिए भाई को. यू नो वो भी आप फॉलो कर सकते हो और बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्दी इनके 1 मिलियन बना दीजिएगा. ओके, सो दिस इज मोहम्मद शाविस, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.